दोस्तों आजकल के लोगों को फुलाना वाला वीडियो ज्यादा पसंद है, सही बात है ना? सही बात है ना? जो गंदा वीडियो बनाते हैं ना, उन्हीं लोग का वीडियो चल रहा है दोस्तों, वही चल रहा है। जो भी ऐसे करते हैं, जो भी मतलब हाथ से करते हैं और करते हैं, उन लोगों का वीडियो वायरल हो जा रही है। हमने ना मेहनत करी और ऊपर से ज्यादा हम जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। हम लोग साफ सुथरा काम करते थे, पूरा सब बोलने के लिए तैयार रहता है। कितने दिनों से मेहनत करती है पूजा जी, बहुत ही अच्छी एक्टर है, हम तो बहुत दिन से ज्यादा है। और ये भी करती है, हम इतना बड़ा रहे सब मालती जी भी करती है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन असल बात अगर जब फुलौने वाला चल रहा ना, तब से ज्यादा नहीं अभी चल रही है। फुलौने वाला नहीं चला था, दोस्तों हम तो हाथ से दिखाएंगे इनका ये फुलौना है, तुम्हारी में बोली मैं। दोस्तों हम हाथ से दिखाएंगे। अच्छा कौवा उड़ाए चाहे चिड़ै उड़ाए चाहे फुलौना उड़ाए। अच्छा पूजा जी आपका फुलौना मतलब नहीं मतलब फुलौना मतलब आपका फुलौना वाले क्या बोलना चाहते हैं? फुलौना नहीं चाहिए हम नहीं फुलौना सुनाएंगे। दोस्तों इनको फुलौना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग को फुलौना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके सोचिएगा। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहे थे, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दीदी ये इतना पहले चैनल चालू करी थी लेकिन दीदी देख रहे हैं ठप हो गई हैं, और जो इतना पीछे चैनल चालू करते वो फुलौनों ही से आगे हो गए हैं। आप लोग देखते हैं तभी ना बनाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये आप लोग पसंद करते हैं तभी वो लोग गंदा बनाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखते नहीं लाइक करते नहीं शेयर करते समझ में आता उन लोग तो आप लोग को अच्छा। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो आप लोग कमेंट करके प्यार से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग हमारे साथ हैं, हमारा बात अच्छा लगा आप सभी को कि नहीं अच्छा लगा। अगर आप लोग प्यार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय लव यू टाटा चुम्मी। दोस्त हम लोग फुलौना के नाम पे चुम्मी मिल रहा है आप लोग मतलब आप लोग हमारे बात को जवाब को सवाल का जवाब बताइएगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। प्यारा प्यारा से आप लोग कमेंट करिए ताकि हम लोग भी हम लोग का दिल खुश हो जाए। ताकि पहले पढ़ेंगे गुड़िया दीदी ताकि हाँ गुड़िया दीदी के चैनल पे पड़ेगा वीडियो और हम सभी लोग कमेंट देखेंगे कि आप लोग हम लोग को कितना कमेंट करके कितना अच्छे से प्यार दिए हैं आप लोग। बाय। तो दोस्तों देख सकते हैं आगे बहुत ही ज्यादा पानी भर चुका, हम लोग बहुत गलत रास्ते पे आ चुके हैं। हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ से वहाँ तक जो रोड है रोड पे पूरा पानी लगा हुआ है, तो कैसे जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। देखिए नदी चारों तरफ से पानी ही पानी दिख रहा है। देखिए चारों तरफ से पानी ही पानी दिख रहा है। कैसे जाए बहुत डर लग रहा है। देखिए हम लोग जा रहे हैं विष्णु मालती चौहान के घर और रास्ता बहुत ही गंभीर है और देखते हैं कैसे निकलते हैं। आप लोग ऐसे ही ब्लॉक में बने रहिएगा, आप लोगों को दिखाते हैं। चले देखिए दोस्तों पूरा पानी भरा हुआ, देखिए बहुत ही ज़्यादा पानी है। देखिए माँ काली गाड़ी चला रहे हैं, आगे भी गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। जिया हो गंगा मैया तार महिमा परम्पार। देखिए बहुत ही ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा साड़ी में भीग रहा है। जा रहे हैं मालती जी के
क्या होता है। देखो भैया तो यहाँ पे हमारी सारी टीम है, निकलना है। देखिए भैया गाड़ी निकालना है। दीदी कौन चोरी? यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे लोग हैं। इधर महाकाल जी हैं। हम किनारे बैठे हैं। किनारे? हाँ है। मालती जी के घर पे, और मालती जी अभी यहाँ पे है नहीं, स्टूडियो पे पहुँचे हैं। घर थोड़ा दूर है स्टूडियो से। हम नहीं दीजिए भागा था लेके। हम लोग जा रहे हैं घर पे उनसे मिलने के लिए। आइए तो दोस्तों देखिए आप भैया है, और आगे बॉडी गार्ड बन के खड़े हैं। देखिए हम कौन है? बॉडी गार्ड। हाँ कौन दिक्कत नहीं है। दूधी बॉडी गार्ड। हाँ दूधी तो नसीब वाला है सर, बहुत ज्यादा नसीब वाला है। इतना प्यार करे वाले इंसान मिला ना। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मालती जी के घर, लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अभी अंदर है मालती जी। अब मालती जी से मिलते हैं। इधर देखिए मालती जी के बॉडी गार्ड। भाभी नमस्कार। भाभी नमस्कार। खुश रहा भाऊ, कुछ जल्दी से ब्याह हो जा। अरे भाभी एकदम दिल खुश हो गया। भाभी मालती जी के बॉडी गार्ड बन के रहा ना। और कौन चीज दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और मालती जी से मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम मालती जी के पास पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला है। हेलो हाय दोस्तों, तो आप लोग देखिए धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक बार मिलेंगे, एक बार मिलेंगे। रोज इनसे मुलाकात होता, लेकिन अब खलीलाबाद छोड़ दिए हैं। ये नहीं छोड़े नहीं है, नहीं आती है। पहले आती थी, बहुत मिलते थे हम लोग दोस्तों। नहीं अब छोड़े नहीं है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। छोड़ दिए ना, खलीलाबाद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। अपने ससुर जी से मिले तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे युवराज रो रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं। और युवराज की शादी और सगाई होगी, आप लोग जरूर आइएगा। और जो लोग नहीं आएंगे वो लोग खस पाएंगे। तो मालती जी को बहू मिल गई है, जो कि हम लोग उनकी बहू को देख चुके हैं, बहुत ही सुंदर है। ए दोस्तों क्या करें, बहुत दूर के मतलब लोग आते हैं, तो कौन कैसा रहता है, कौन कैसा रहता है, तो क्या अपना अपना सामान खुद ही केयर करते हैं। तो दोस्तों मालती जी की बहू मिल चुकी है ना मालती जी। तो दोस्तों मालती जी की बहू दोस्तों गुड़िया दीदी आई थी, बस अपने